देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल व डीजल की बेहताश वृद्धि और सरकार द्वारा बनाए गए टैक्स की वृद्धि वापस न लिए जाने के विरोध में आज कांग्रेस पदाधिकारियों ने नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई को कम करने का वादा लेकर सत्ता में आई और जनता को दुगनी महंगाई देकर देश में लूट खसोट के तंत्र को बढ़ावा दिया है। जनता को गुमराह करना भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। भाजपा सरकार के वादे झूठे साबित हो रहे हैं। जनता को न्याय महंगाई से निजात व रोजगार देने के बजाय आतंकवादियों के आगे घुटने टेक कर देश में भय और लूट का वातावरण बनाया जा रहा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष कहकशा ने कहा है कि महिलाओं को रसोई से लेकर बाजार तक की हर चीजों पर बढ़ती महंगाई से मुकाबला करना पड़ रहा है। साथ ही महिला सुरक्षा पर सरकार के किए गए वादे महंगाई पर नियंत्रण की तरह ही झूठे साबित हुए हैं। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। सरकार का पुतला हमने फूंका है। महंगाई और पेट्रोल के अधिक दाम होने के सिर्फ घूमने का काम कर रहा मोदी। 4 साल हो गए इस देश में सिर्फ घूमने के अलावा कोई काम नहीं करा उसने। ये बताओ कि महंगाई पे कंट्रोल कराओ, GST लगा दी और 15-15 लाख का वादा करा। काम एक बता दो जो मोदी सरकार ने करा। हमारे बॉर्डर पे नौजवान साथी हमारे मिलिट्री के वहाँ पे मर रहे हैं रोज 5, 6, 7, 10। और जो कह रहा था अगर एक जवान मरेगा मैं पाकिस्तान के 10 सर काट के लाऊंगा। और आज 56 इंच की छाती मोदी की कहाँ है? घूमने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा, उसे देश से कुछ लेना देना नहीं। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।